आज मंडी संसदीय क्षेत्र की बैठक है जिसका आज मुख्यमंत्री जी और पार्टी की अध्यक्षा उसकी अध्यक्षता करेंगे। पार्टी बैठक की सभी इसमें हमारे वरिष्ठ नेता सभी कार्यकर्ता पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं और आगामी जिस तरीके से हमने मैदान में उतरना है, मैं धन्यवाद करता हूँ पार्टी का कि उन्होंने मुझे जो है पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। हालांकि मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, मगर फिर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हमने उसको स्वीकार किया है और फ्रंट फुट पर रहकर हम लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और जो विकास कार्य हमने मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के, पूरे प्रदेश के साथ साथ मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों का किया है, खास करके आपदा के दौर में हम जो लोगों के साथ दिन रात खड़े रहे हैं, केंद्र के साथ पूरा तालमेल बनाकर पिछले 15 महीने के मेरे प्रदेश लोक निर्माण मंत्री के कार्यकाल में हमने 3,000 करोड़ के विकास कार्य सड़कों के प्रदेश के अंदर करवाए हैं, 150 करोड़ रुपये अतिरिक्त हम लेकर आए हैं। इन सब मसलों को मुद्दों के साथ लोगों के बीच में रखा जाएगा, चाहे उसमें भूभुजोत टनल के निर्माण की बात है, चाहे जलोड़ी जोत टनल की बात निर्माण की बात है, चाहे होली उतराला सड़क के निर्माण की बात है, चाहे टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से मनाली बंजार आनी क्षेत्र को डेवलप करने की बात है, चाहे हमारे जो एक्स सर्विस मैन हैं आपके सरकाघाट में, जोगिंदर नगर में, बल में, उनके मुद्दों को उठाने की बात है, चाहे हमारे OPS के कर्मचारी जिनको आज मजबूरन जयराम जी सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, मगर उन्होंने अपनी नियति और उनकी जो नियति है और उनकी जो बोल है उसमें बहुत फ़र्क है। ये वही जयराम जी है जिन्होंने विधानसभा में व्यंग किया था और ये कहा था कि OPS अगर चाहते हैं कर्मचारी तो वो चुनाव लड़े और अपने जो है सरकारी नौकरी को छोड़े। आज उनको जबरन ये बात कहनी पड़ रही है जब जहाँ की उनकी सरकारों ने OPS को पूरे देश के अंदर बंद कर दिया है, मगर हमने इसको हिमाचल के अंदर हम लागू करेंगे। हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम इसका कानून बनाएंगे, जब हमारी अभी चुनावों के बाद सरकार विधानसभा के अंदर कानून पारित करेगी ताकि इसको आने वाले समय में कभी भी अमेंड ना किया जा सके, कभी भी इसको हटाया ना जा सके। तो हम मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र आप लोगों की नज़रों में हॉट सीट हो सकती है, मगर मेरी नज़रों में नहीं है। मेरी नज़रों में जितना महत्वपूर्ण हिमाचल के और विधानसभा क्षेत्र है और लोकसभा क्षेत्र है, उतना ही महत्वपूर्ण जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र भी है। और यहाँ के मसलों को जिस तरीके से मैंने पूरी मजबूती से पहले प्रदेश के मसलों को विधानसभा के अंदर उठाया, उसी मजबूती से हम आने वाले समय में हमारे देश की जो हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है लोकसभा के अंदर इस मंडी संसदीय क्षेत्र के मसलों को उठाएंगे और साथ ही साथ विकास कार्य तो होगा, मगर जो आज एक प्रहार सनातन धर्म के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर कर रही है, लगातार हमारे देवी देवताओं का तिरस्कार कर रही है, लगातार हमारे सनातन धर्म का तिरस्कार कर रही है, उस पर भी हम लोगों के बीच में जाएंगे। क्योंकि जो संस्कृति को ये बढ़ावा दे रहे हैं, जिस खान पीन से हम दूर दूर तक सनातन धर्म का कोई रिश्ता नहीं है, उसको इनके प्रत्याशी जो बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस चीज़ को लोगों के बीच में लेकर जाया जाएगा। मैं भाजपा के अलावा जो संघ परिवार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, उनसे भी ये विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहूँगा कि आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। आज जिस तरीके से सनातन धर्म पे प्रहार जो है वो भाजपा की प्रत्याशी कर रही हैं, लगातार जो जिस तरीके से उनका जो एक प्रहार हो रहा है, जिस तरीके से अपमान हमारे देवी देवताओं का हो रहा है, सनातन धर्म का हो रहा है, ये हमारी देव संस्कृति के लिए अच्छी बात नहीं है। हम मुद्दों के ऊपर लोगों के बीच में जाएंगे, विकास के मुद्दों के ऊपर लोगों के बीच में जाएंगे, मगर उसके साथ साथ हमारी देव संस्कृति, हमारे सनातन धर्म की रक्षा करना ये भी हमारा दायित्व बनता है। आज इस मुद्दे पे भाजपा ने तो अपने मुंह पर टेप लगा दी है, मगर हमें पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका संज्ञान लेगा और आने वाले समय में इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई उनके माध्यम से करवाई जाएगी। इसका मैं अपील जो RSS के राष्ट्रीय सरसंचालक है आदरणीय श्री मोहन भागवत जी और हिमाचल के उनके प्रांत प्रभारी है और सभी RSS के संघ परिवार के साथियों से ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, हिमाचल में सनातन धर्म को बचाना बहुत आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।